थार क्या क्या बना, थार ले ली आ गई। ठोकर बीपी और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और भाई साहब, आज मैं हूं लुधियाना में, पंजाब में, और आपको लेके आया हूं यहां पे एक ऐसी जगह पे जहां पे भाई साहब हमने तकरीबन 9 महीने पहले वीडियो बनाई थी और वो एक पहाड़ की तरह, एक वोल्केनो की तरह फटी थी। और भाई क्या वायरल वीडियो थी वो, उस पे फेसबुक पे शायद 90 लाख व्यूज है, यूट्यूब पे शायद 20 लाख व्यूज है, और इंस्टाग्राम पे तो भाई साहब मतलब सारे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए थे। सारे सोशल मीडिया पे सब जगह दीप भाई के चर्चे थे। पर आज मैं ये देखने आया हूँ यहाँ पे कि वीडियो आने के बाद दीप भाई की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दीप भाई सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया भाजी। तानू लव यू है भाजी। क्या बात है भाजी, लव बैक टू यू है जी। मैंने एक गल दसो, वीडियो के बाद क्या फर्क पड़ा लाइफ में, क्या चेंजेस आ गए हैं? एक तो मैं देख रहा हूँ आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई है, पहले AK-47 कहते थे, अब तो कहते हैं AK-94 हो गया। नहीं नहीं भाजी, कार्ड भी चेंज करती, बर्गर का स्टाइल भी चेंज करता जी, डेरी का पनीर पाना शुरू करता, सोया का पनीर पाते थे पहले। अच्छा, डेरी का पनीर शुरू करता पाना जी, जी। और भाजी मतलब लोगों का प्यार कितना डिफरेंस आया पहले, मतलब जैसे 1 घंटे में कितने बर्गर बिकते थे? पहले 1 घंटे से मसा मेरे ख्याल से 5-6 पैकेट बेचने औखे हो जाते थे, उस तो बाद भाई मैं गिनती नहीं करता। अच्छा, अब मतलब सोशल मीडिया की वजह से आप गिनती करना भूल चुके हो, अब लगातार बर्गर जो है बिकते जाते हैं, नूडल्स बनाते जाते हो, और ऐसे ही भाई भीड़ जो है वो लगती रहती है। भाजी मेरे सामने सामने ही आपका तीसरा लॉट जो है वो बन रहा है। हाँ जी भाजी, और एक लॉट में आप 30 बर्गर बनाते हो और 5 मिनट में मतलब तीसरा लॉट, भाई 5 मिनट में 90 बर्गर। भाजी मतलब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी इतने बर्गर नहीं बनते इतनी जल्दी? जिससे अपने लोग ने, साढ़े लिए तो वही फैक्ट्री है भाजी। क्या बात। अच्छा आजकल बना क्या क्या रहे हो, कौन कौन से बर्गर्स बना रहे हो इस टाइम? भाजी 1000 बर्गर, ग्रेवी मखनी बर्गर, अमूल मक्खन बर्गर, चीज बर्गर, उसके बाद अपना डीप टॉप नॉच बर्गर। क्या बात है भाजी। और एक मैं देख रहा हूँ, पहले आप परना बांधते थे, अब पूरी दस्तार सजाते हो। बिल्कुल भाजी, और दस्तार भी मतलब भट्टा वाली कहते ना। बिल्कुल भाजी, ये किससे सीखी आपने? ए भाई खुद ही छोटे हुए बन रहे थे। अच्छा। हाँ जी, मतलब टाइम मिल जाता है दस्तार से जाने का? नहीं भाई, टाइम बहुत ही टाइम कटी था, दिन चौ 5-5 मिनट कटी थे। अच्छा, और ट्राइसेप का क्या हुआ? इस टाइम थोड़ा यार नशा डाउन है, पर वीडियो के एंड तक निकल आएंगे बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाजी अभी तो फिलहाल नूडल्स बना रहे हो आप? ये बर्गर वाले नूडल भाजी। ये इसमें डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट कुछ नहीं, पर मसाले में थोड़ा फर्क होता है भाजी, थोड़ा लाइट मसाला होता है। अच्छा, क्योंकि बर्गर में मसाले काफी ऐड होते हैं ना जी। मतलब ये बेसिकली जस्ट फ्लेवर के लिए है, नूडल्स बर्गर बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा मसाला लाइट रहता है। और भाजी बर्गर तो बना के दिखाओ। बिल्कुल भाजी, बस आप थल्ले ला दिए, मैं कहना है लाओ जी, लाओ थल्ले ला दो। ये जो स्पीड है ना, मतलब जैसे मार्शल आर्टिस्ट होता है, एक मार्शल आर्टिस्ट वाली स्पीड है आपकी, तो कहाँ से सीखते हुए? ए भाई तुसी मोटिवेट करके गए सी। क्या बात है भाई, सच कह रहे हैं। वाह जी वाह, मैं पता नहीं कदों मोटिवेट कर गया थोनू, मैं आप नहीं होया। ओ वाह जी वाह। भाजी बम बर्गर्स बनने वाले? पटाका ही है भाजी पूरा। क्या बात है, पटाका बर्गर, पटाका बर्गर। तो आज बनाने वाले हैं दीप भाजी हमारे पटाका बर्गर। वैसे दिवाली पे पटाखे होते हैं और पूरा साल पटाखे वाले बर्गर्स होते हैं। आवाजें आई ही ना जेडिया, वही आनी है भाजी। क्या बात है, क्या बात है। आगे भाजी मक्खन जी, ब्रेड नाल बेड़ रहे हैं भाजी पूरा। अच्छा, जितना बर्गर कोट खाऊगा मक्खन तो जी उतना चमकूगा। क्या बात है, जितना जितनी कुट खाओगे उतना चमकूगा, शाइन उतनी बढ़ जाएगी जितनी ये भाई इसकी पिटाई होगी। भाजी प्रैक्टिस घर पे करते हो या यहाँ पे आके करते हो? ए भाई तुक्का ही है सारा। तुक्का ही है, तुक्का ही है। क्या बात है, लेंदे उन्हें होर गोरी है। हाँ जी, जट का स्वाद लेंदे। क्या बात है, जट का मार्शल आर्ट वाला स्वाद लेंदे है। भाजी जब वीडियो आई थी तब इतनी स्पीड थी? नहीं भाई। अच्छा, ये कैसे मतलब इतनी स्पीड कैसे बना ली फिर आपने? ए भाई कस्टमर जो आए जी, फिर भाई होर मतलब थोड़ा जहां होने लग जाता है, होर करिए फटाफट करिए फटाफट, फिर भाई होली होली प्रैक्टिस कराना होगी भाई। क्या बात है, तो मतलब पहले आप बता रहे थे जैसे 1 घंटे में 4 पैकेट बेचना मुश्किल था, अब आप गिनना बंद कर चुके हो, तो कस्टमर्स बढ़े तो आपने जो स्पीड है फिर खुद ही बढ़ा ली। बिल्कुल जी। भाजी ये नहीं सोचा यहाँ पे मशीन लगा लूं? सिद्धू भाई ने क्या है, हाथ फाड़े सिद्धू को, तुम्हें तरह खाए। मेरा मानना वा भी बर्गर हाथ फट दीप को तुही तरह लिखाए, मतलब परमात्मा ने। क्या बात, उन्होंने लवाए ने जी, पर नाम ही मेरे आए ने भाजी। वाह वाह, मशीन था भाजी, बाज दी गल। क्या बात है, तो भाई साहब ये सारा का सारा बाबा जी का चमत्कार है या बाबा जी का आशीर्वाद है? ये उन्होंने ही लवाए ने, पर नाम ही मेरे आए ने। बहुत बढ़िया यार। ये भाई आ गई 1000, ये आ गई जी 1000 आइलैंड सॉस। अच्छा 1000 सॉस या 1000 क्रीम। अच्छा सभी बर्गर्स पे लगेगी भाजी? बिल्कुल जी। अच्छा ये बेसिक सॉस है जो हर बर्गर पे लगेगी? हाँ जी। वाह जी वाह। और भाई मैंने अभी सिर्फ ये सवाल पूछा था, ऑलमोस्ट सारे बर्गर्स कवर भी हो गए, और आप वीडियो में ना कमेंट करके बताओ कि भाई कितने बर्गर्स लग रहे हैं, मुझे तो दिख भी नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। ये आगे भाई ऑरेगानो। अच्छा जी ऑरेगानो, ये पहला
40 ਤੇ 50 ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਜਾਣ ਦੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ 40 ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਰਗਰ ਮੇ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਅਬ ਸਭ ਮੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਇਸਕਾ अच्छा दिल दिल है भाई ते प्यार है दिलों आ रहे मसाले क्या बात है दिलों मसाले निकल रहे हैं सो ये दिल से मसाले निकल रहे हैं भाई के और देखो भाई एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ आप पूरा जैसे इतना हार्ड वर्क कर रहे हो इतनी मेहनत कर रहे हो पर चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट कायम है अंदर ही एवें दे बन गए हैं अच्छा कि अपने आप ही बाहर आ जाएंगी स्माइल वाह जी ये आगे भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स क्योंकि भाई छोटे होंदे सिखांदे ही ना मैडम सिखांदी होंदी ही मेरे लेकिन वो काम नहीं आए मेरे आ काम आए ने क्या बात है प्याज टमाटर काम आए ये लगते रहे ना पूरे हां जी हां जी हां जी प्याज शिमला मिर्च और साथ में स्वीट कॉर्न है और भाई इनको बोलते हैं जी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये आगे भाई टिक्कियां जी ये टिक्की भी खुद बनाते हो बिल्कुल जी भाजी इसमें क्या क्या रहता है ये जी भाई नमक हुंदा है चिली फ्लेक्स हुंदे चिली फ्लेक्स ते नमक हां जी इस ए ते चलो नॉर्मल मसाले हो गए बाकी प्यार भाई रज के हुंदा है क्या बात है ये जो आलू टिक्की है इसके अंदर नमक और चिली फ्लेक्स है जी और भाई यहीं पे फ्रेश बन रही है ये फ्रोजन वाली नहीं है और भाई एकदम करारी लग रही है एकदम क्रिस्पी और देखो भाई की स्पीड चेक करो आप ये आ गई भाई वाइट मायो ये आ गई जी मेयोनीज ओ भाई क्या बात है पहले आंदा ही भाई सोया दा पनीर हां जी हुन भाई डेरी दा पनीर आ गया अच्छा डेरी पनीर टीआर अच्छा, फर्क क्यों पाया भाई भाई दा क्या दा भाई स्वाद ही लेना है बस नहीं नहीं मतलब वैसे ही फर्क क्यों पाया स्वाद दा फर्क है कि क्वालिटी दा फर्क है तुम्हें पता ही है भाई सोया ते डेरी च कितनी क्वालिटी दा फर्क है जी 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 पैसे नहीं देखे आपा जान दो भाई मैं था क्या क्या बात है 30 रुपए के बर्गर के अंदर आपको ओरिगेनो भी मिलेगा भाई स्वाद सिर्फ टेस्ट दा नहीं हुंदा जी एक जिंदगी दा भी हुंदा भाई जी कि हर चीज च मजा होवे किसी चीज च फॉर्मेलिटी ना होवे बस क्या बात है और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि आपके पापा जो है ना बड़े प्राउडली आपको देखते रहते हैं पूरा दिन आप मेहनत करते रहते हो आपको बड़े प्राउडली देखते हैं पापा लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते देखो जी जी क्योंकि पापा ने तो सानू लिखया है पापा लिए नहीं कुछ कह सकते आपा पापा नु तो बस लव यू है जी क्या बात है ए भाई ग्रीन सॉस अच्छा ग्रीन सॉस ये पहले भी मम्मा ही बनांदे ही हुण भी मम्मा ही बनांदे ने अच्छा बस क्वांटिटी वध गई ए मां का प्यार है जी इच वाह जी वाह अच्छा इसमें क्या क्या रहता है की हुंदा है इच भाई धनिया पुदीना अच्छा, लहसुन अदरक अच्छा जी ते मिर्चा भाई अच्छा मतलब पूरी ये चटाकेदार सॉस है बिल्कुल भाई करंट वाली माड़ा माड़ा होगा भाई माड़ा माड़ा करंट ज्यादा नहीं गर्मी बहुत है ले चीज बर्गर ली भाई चीज अच्छा इसमें से कुछ बर्गर जो है वो चीज वाले हैं तो उसके लिए चीज आएगा अमूल चीज वो कितने का है 50 रुपीस का चीज वाला हां जी अच्छा चीज वाला बर्गर 50 का बाकी नॉर्मल जो है 30 के 30 40 अच्छा 40 वाला कौन सा भाजी वो ग्रेवी मखनी बर्गर है भाई अच्छा उसमें सॉस अलग से आती है सॉस भाई मखनी सॉस ऐड ए भाई ये की ग्रेवी मखनी सॉस अच्छा ये है ग्रेवी मखनी सॉस चीज से आऊगी भाई अच्छा ग्रेवी मखनी सॉस का एक अलग ही जादू है भाई ये खट्टी मीठी होती है और साथ में मसालेदार होती है और भाजी क्राउन्स को दोबारा सेकोगे हाँ जी भाई इसको दोबारा से करारा करके और भाई ये सेसमी सीड्स वाले बंस है और क्राउन जो है एकदम शाइन कर रहे हैं ऐसे चमक रहे जैसे अभी पॉलिश किया हो ए भाई आ गया जी राज अपना अच्छा राज ए आ गए नूडल भाजी अच्छा जी थोड़ा फ्लेवर कम होता है जो मजा है जो इसका क्रंच आता है वेजीज का वो एक अलग ही जायका बन जाता है उसका भाई तारे फिर आ गए जी अच्छा तारे से तारे फिर से आ गए चीज ब्लेंड भाई अच्छा चीज ब्लेंड ये चीज वाले बर्गर में तो भाई साहब काफी कुछ आ रहा है 50 रुपए के अंदर काफी कुछ दे रहे हैं चीज ब्लेंड भी आ गया चीज स्लाइस भी आ गया तारे से तारे दो बार आ गया ओरिगेनो दो बार आ गया ये हो गए जी डन और अब इनके ऊपर क्राउन्स आ जाएंगे और बर्गर्स बन के तैयार 30, 40, 50 और भाजी सबसे महंगा बर्गर कितने का है 60 रुपए था भाई बस उसमें क्या आता है वो भाई अमूल मक्खन बर्गर चीज बर्गर था थोड़ा अच्छा जी उच्च कोटि का बर्गर है बिल्कुल जी भाजी बर्गर तो पैक हो गए मुझे एक चीज बताओ लोकेशन क्या है अपनी लोकेशन भाई अपनी सुंदर नगर चौंक है जी 33 फुट रोड पे ओदे नेड़े मुंडिया पिंड पैंदा है ठीक है लुधियाने च भाई ठीक है बाकी लोकेशन भाई तुहाडे दिलां च ही है सबसे पहले तो भाई दीप भाई की जो एनर्जी है ना इतनी खतरनाक है ना
कि आप मतलब यहाँ पे आते हो ऐसे लगता है कि चलो दिन अच्छा खत्म हो गया, अब आप शाम को बैठोगे बर्गर खाओगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे उसके बाद आपको लगेगा कि भाई मैं काम के लिए जाऊँ या जिम करूँ या कुछ करूँ, भाई इतनी मोटिवेशन से भर देता है ये बंदा, इतना ज्यादा जबरदस्त एनर्जी है ना इस स्टॉल पे कि यहाँ पे लोग पता नहीं मुझे लग रहा है बर्गर खाने वाले कम और देखने वाले ज्यादा होते हैं कि यार भाई बना कैसे रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं भाई। तो आज का हमारा जो स्वाद बटांदरा है वो है जी ये स्पेशल बर्गर जो कि है जी इनका ग्रेवी मक्खनी बर्गर। भाई ग्रेवी वाला बर्गर है, अंदर ग्रेवी वाली सॉस पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हिज बाइट भाई, भाई साहब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना सारे के सारे हमें कहीं भी मिल जाएंगे, ये सॉसेज, ये आलू पैटी, ये नूडल्स कोई भी बना लेगा, बट ये जो बर्गर है ना ये एकत्रित करके इकट्ठा करके जो चीज बनाते हैं इसके ऊपर लुधियाना में मैंने इससे अच्छा बर्गर नहीं खाया। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने शायद पूरे इंडिया में ऐसा स्ट्रीट फूड वाला बर्गर नहीं खाया जो स्ट्रीट में मिले। तो भाई साहब अगर आपने दीप भाई का बर्गर जो है वो पिछली वीडियो देख के एंजॉय कर लिया था तो भाई साहब कमेंट में लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद पंजाब हिंदुस्तान जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो दीप भाई की वो वीडियो जिसने भाई साहब धमाल मचा दी थी फेसबुक पे, शायद ऑलमोस्ट 80 लाख पता नहीं 90 लाख व्यूज है, और YouTube पे भाई काफी ज्यादा व्यूज है, मुझे याद नहीं शायद 10 लाख है पता नहीं 20 लाख है। Instagram, YouTube, Facebook सब जगह दीप भाई जो है वो वायरल हो गए थे। तो आप अगर देखना चाहते हो इनकी ओरिजिनल YouTube वाली वीडियो तो भाई साहब ये देखो।